श्रावस्ती में बीजेपी एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी का डांस वायरल। शादी समारोह में प्रज्ञा त्रिपाठी समेत कई और नेताओं ने लगाए जमकर ठुमके। पीलीभीत में खेतों में दिखा बाघ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, बाघ की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी। लखनऊ में सेना के जवान की पत्नी ने लगाई खुद को आग, इलाज के दौरान हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है पुलिस। बांदा में दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत, चार लोग घायल। आक्रोशित लोगों ने किया जाम। बुलंदशहर में मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। सहारनपुर में दो बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में पुलिस के पीआरडी जवान की मौत, दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बांदा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई मौत जबकि दो की हालत गंभीर। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दौड़ते ट्रक के पहियों में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कासगंज में तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, स्थानीय लोग और पुलिस ने आग में फंसे लोगों को सकुशल निकाला बाहर। सोरो कोतवाली क्षेत्र की है घटना। आगरा में सिलेंडर में आग लगने से दो महिलाओं की जिंदा जलकर मौत, एक युवक की हालत नाजुक, खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर में हुए रिसाव में घर में लगी आग, 5 साल की बच्ची समेत 4 लोग हुए घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। रघुपुरा इलाके की वारदात। बागपत में घने कोहरे के कारण 4 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में एक शख्स के इलाज के दौरान मौत, कई लोग जख्मी। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे की घटना। गाजियाबाद में कोहरे की वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, एक के बाद एक कई गाड़ियों की आपस में हुई टक्कर, कई लोगों के घायल होने की खबर, पुलिस मौके पर पहुंच गई। श्रावस्ती में बेकाबू कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। मथुराकराल और बिरला मंदिर क्षेत्र में लोगों के कुट्टू का आटा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग, लगभग 1 दर्जन लोग हुए बीमार। वृंदावन के 100 संया अस्पताल और जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बहराइच में दिल का दौरा पड़ने से सिपाही की हुई मौत, महाशिवरात्रि पर ड्यूटी के दौरान पड़ा दिल का दौरा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के चौकी मिहीपुरवा में तैनात था सिपाही। प्रयागराज में अतीक अहमद के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज हुआ रंगदारी का मुकदमा, पीड़ित से मांगी थी 10 लाख की रंगदारी, रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बस्ती में रेप कर मासूम बच्ची की निर्मम हत्या से हड़कंप, पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ मथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 220 पेटी अवैध शराब के साथ 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने 20,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, एक तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल बरामद। कानपुर जीआरपी ने शातिर मोबाइल चोर को पकड़ा, जीआरपी ने 12 चोरी की मोबाइल भी बरामद की। कुशीनगर में पिता और भाई निकले रूबी के हत्यारे, प्रेम प्रसंग से नाखुश होकर की हत्या, पुलिस ने बरामद किया शव, आरोपी भाई को हिरासत में लिया, फरार पिता की तलाश जारी। बस्ती में हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला 8वीं के छात्र का शव, सोनहा थाना क्षेत्र के आश्रम पद्धति स्कूल का मामला। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में चोरों ने मोबाइल की दुकान में लगाई सेंध, लाखों के मोबाइल पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। सीतापुर में बेखौफ बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर चोरी की, सोने चांदी के गहने समेत 22.5 लाख का सामान लेकर हुए फरार। सोनभद्र पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, साथ ही 2 ट्रक से 1,01,740 पेटी शराब भी जब्त की है। गाजियाबाद में इंदिरापुरम पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को पकड़ा, चोरी की एक अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद। सहारनपुर में ध्यान गुरु स्वामी दीपंकर महाराज के साथ बदसलूकी, दीपंकर महाराज की सिक्योरिटी ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। यूपी विधानसभा में डिजिटल विधिका का लोकार्पण, विधायी डिजिटल विधिका में एक टच स्क्रीन पर मिलेगी यूपी की पूरी जानकारी, विधानसभा में लिए गए बड़े फैसलों को भी जान पाएंगे। बजट सत्र को लेकर विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक, भाजपा और सपा विधानमंडल दल की भी बैठक आज। यूपी में जातीय जनगणना को लेकर प्रखंड स्तर तक मुहिम चलाएगी समाजवादी पार्टी, पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप को सौंपी गई जिम्मेदारी, पहले चरण में 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा अभियान। सपा की जातीय जनगणना की मांग पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, सपा की जातीय जनगणना की मांग को बताया ढोंग, कहा अखिलेश जातिगत न्याय की शुरुआत संगठन से करें फिर की बात करें। मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ल वारसी ने अपनी पार्टी के सांसद पर गंभीर आरोप लगाए, कहा मेरे पार्टी के सांसद के इशारे पर किया जा रहा है षड्यंत्र।
गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। जनता दर्शन में 300 लोगों अपनी फरियाद लेकर ये लोग पहुंचे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने आम आदमी पार्टी के बुलडोजर आहुति यज्ञ पर तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा कि आम आदमी पार्टी के नकली लोग हैं इसलिए नकली बुलडोजर से हवन कर रहे हैं। लखनऊ में 24 बिल्डर्स के खाते होंगे सीज, समय पर खरीदारों के फ्लैट नहीं देने पर कार्रवाई। रेरा के नोटिस के बाद भी बकाया जमा नहीं करने का ख्याल। यूपी में पीडब्ल्यूडी में तबादला घपला मामले में बड़ी कार्रवाई। पूर्व विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता की पेंशन से वसूली होगी, जब तक पेंशन मिलेगी तब तक 5% कटौती होती रही। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सिक्किम कैडर के आईएएस अंजुने कुमार सिंह का यूपी में फिर बड़ा प्रतिनियुक्ति कार्यकाल। अब एक साल के लिए बड़ा कार्यकाल है, 15 फरवरी 2024 तक यूपी प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे आईएएस अंजुने कुमार सिंह। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में धार्मिक शहरों के लिए मिले बड़े प्रस्ताव। 7 शहरों में 4,14,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट में बड़ा निवेश। कार्यकाल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जालौन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में हुए इन्वेस्टर समिट को बताया महाकुंभ, कहा देश में भाजपा सरकार आने के बाद से रोजगार के अवसर बढ़े। रामपुर में आजम खां का विरोध, अखिलेश यादव द्वारा बापू मॉल के उद्घाटन के सूचक शिलापट पर चला हथौड़ा। अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष शिलापट पर चलाए हथौड़े। राकेश सचा ने बस्ती का किया दौरा, इस दौरान वे अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की, फिर पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की। कानपुर पहुंचे मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश शिवपाल पर हमला बोला, कहा विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। गोंडा में मंत्री अनिल राजभर ने व्यापारियों के साथ देखा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी लघु फिल्म, कहा बीजेपी सरकार आने के बाद अब उद्योगपति यूपी में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। बरेली में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सपा पर हमला भी बोला, कहा सपा राज में मिला अपराधियों को संरक्षण। मंत्री संजय निषाद ने की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तारीफ, कहा औरैया में उद्यमियों ने नियमों को मानकर 2500 करोड़ का निवेश किया। गोंडा के करनैलगंज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष नकुल दुबे का जोरदार स्वागत हुआ। बृजलाल खाबरी ने भाजपा पर सिर्फ आश्वासन देने का आरोप लगाया। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने युवाओं पर लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा, सीबीआई जांच से पीछे हटने पर किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई। उत्तराखंड में निकाय और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब एक्शन में आ गई है। कांग्रेस जल्द ही अपनी ब्लॉक और नगर इकाइयों का विस्तार करेगी। देहरादून के मयूर विहार क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, 35 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद। देहरादून में एसटीएफ ने पेपर लीक के मामले में 44वीं गिरफ्तारी की, 5 लाख रुपए की डील करके सादिक मूसा को पेपर दिया था। रुड़की के सुसाडी कला गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच जारी। उधम सिंह नगर पुलिस ने स्मैक के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। सरकारी भर्तियों में रोड़ा अटकाने पर सीएम धामी ने आदेश दिए, भर्तियों में देरी पर विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकारी भर्तियों में हो रही देरी पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। कीर्तिनगर ब्लॉक में आने वाले चंद्रबदनी मोटरमार्ग को बनाया गया स्टेट हाईवे, अब इस मोटरमार्ग पर 5,46,00,000 की लागत से डामरीकरण का काम किया जाएगा। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने किया शिलान्यास। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, गढ़वाल कमिश्नर ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, 30 मार्च तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिला कारागार में राज्य महिला आयोग की पहल पर महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा, महिला कैदी ऊन से निर्मित फूलों की माला, पर्स आदि सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण ले रही। कर्णप्रयाग में बंदरों का आतंक, वन विभाग ने चलाया बंदरों को पकड़ने का अभियान, नपुर रेंज और नागनाथ रेंज के अंतर्गत पकड़े गए 150 बंदर। होली को लेकर कर्णप्रयाग में हो रही है ढोलकों की बिक्री, हल्द्वानी से आए लोग बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेच रहे ढोलक, बीते 35 सालों से ढोलक बनाने का है पुश्तैनी काम। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट, जिलाधिकारी एसएसपी ने स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दिए दिशा निर्देश। पीलीभीत में फार्मेसी के छात्रों ने जमकर किया हंगामा, कॉलेज प्रशासन पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगा। अमेठी के आरआरपीजी कॉलेज में मुख्य सचिव डीएस मिश्र को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय जल विमर्श कार्यक्रम में हुई शामिल। तमाम विवादों के बाद दिल्ली में 22 फरवरी को होंगे मेयर के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 22 फरवरी को सुबह 11 बजे एमसीडी सदन में होगा चुनाव।
झारखंड के पलामू जिले में सामुदायिक हिंसा के बाद तनाव जारी। आज सुबह 10 बजे तक रहेगा बंद इंटरनेट। 500 लोगों पर FIR। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।